लॉगिन होने के बाद में आप देख सकते हैं ये जो हमारी वॉइड स्क्रीन वाली प्रॉब्लम थी वो यहाँ पर सिंपली से सॉल्व हो चुकी है। सो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप अपने इंस्टाग्राम ऐप में आ रही वाइड स्क्रीन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो इस वीडियो में मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 110% करने वाला हूँ। इसमें मैं आपको तीन ट्रिक्स दिखाऊंगा, उन तीन ट्रिक्स की मदद से आपका जो इंस्टाग्राम की जो प्रॉब्लम आ रही है वाइड स्क्रीन की वो सॉल्व हो जाएगी। ये बिल्कुल भी क्लिक बेट वीडियो नहीं है दोस्तों, इन तीन ट्रिक्स में आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। अगर ये सॉल्व नहीं होती है तो आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब करके वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहली ट्रिक में आपको क्या करना है, जो आपका इंस्टाग्राम ऐप है उस पर आपको क्लिक करके रखना है। क्लिक करने के बाद में आपको सिंपली से ऐप इन्फो वाला ऑप्शन क्लिक कर देना है। ऐप इन्फो पर क्लिक करने के बाद में आपको सिंपली से यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपको क्या करना है गाइस, यहाँ से आपको सिंपली से क्लियर कैश ये वाला ऑप्शन क्लिक कर देना है। इसे क्लिक करने के बाद में आपको सिंपली से क्लियर डाटा वाला ऑप्शन क्लिक कर देना है, यानी कि आपका जो भी डेटा है वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपको इंस्टाग्राम ऐप को ओपन करके देखना है। अगर आपका इंस्टाग्राम ऐप ओपन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी, वरना आपको सेकंड ट्रिक अप्लाई करना है। इसमें आपको क्या करना है गाइस, सिंपली से आपको अपना प्ले स्टोर ऐप ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ऐप को ओपन करने के बाद में आपको सिंपली से सर्च बार पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको टाइप कर देना है इंस्टाग्राम। ये यहाँ पर आप टाइप कर देंगे और सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद में आपको सिंपली से इसे यहाँ पर अपडेट कर लेना है। ये जैसे ही टोटली अपडेट हो जाएगा, अपडेट होने के बाद में आपको सिंपली से क्या करना है, फिर से अपना इंस्टाग्राम ऐप को ओपन करना है। वरना थर्ड एंड लास्ट ट्रिक है जो कि 110% कारगर होने वाली है, वो आपको यहाँ पर यूज करना है। उसके लिए आपको सिंपली से अपना सेटिंग्स ऐप ओपन कर लेना है। सेटिंग्स ऐप में जाने के बाद में आपको एप्लीकेशन एंड मैनेजमेंट ये वाला ऑप्शन क्लिक कर देना है। मेरे इसमें यहाँ पर एप्लीकेशंस एंड परमिशन वाला ऑप्शन है, तो मैं इसे क्लिक कर देना हूँ। इसे क्लिक करने के बाद में आपको सिंपली से क्या करना है गाइस, बहुत ही छोटी सी ट्रिक है और ये वाली जो ट्रिक है वो बिल्कुल आपके मोबाइल में वर्क करेगी। आपकी जो वॉइड स्क्रीन वाली प्रॉब्लम है वो इससे 110% सॉल्व हो जाएगी। इसमें आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पर आपको सिंपली से ऐप क्लोन ये वाला ऑप्शन क्लिक कर देना है। इसे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर इंस्टाग्राम का ऑप्शन दिख जाएगा, इसे आपको ऑन कर देना है, जिससे कि आपका जो इंस्टाग्राम है वो यहाँ पर डुप्लीकेट क्रिएट हो जाएगा, यानी कि आपका जो इंस्टाग्राम ऐप है उसका यहाँ पर डुअल ऐप क्रिएट हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक जो ओरिजिनल इंस्टाग्राम है वो हमारा यहाँ पर है और ये जो सेकंड इंस्टाग्राम है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। अब इसे आपको ओपन कर लेना है और आपकी जो भी इंस्टाग्राम आईडी है उससे आपको लॉगिन कर लेना है और आपकी जो वॉइड स्क्रीन वाली प्रॉब्लम है वो भी यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप कोई सा भी अपना अकाउंट चूज कर सकते हैं, उससे आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ। ये मेरा अकाउंट यहाँ पर लॉगिन हो रहा है। लॉगिन होने के बाद में आप देख सकते हैं ये जो हमारी वॉइड स्क्रीन वाली प्रॉब्लम थी वो यहाँ पर सिंपली से सॉल्व हो चुकी है।